नमस्कार, मैं रेणुका, लिम्रा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की खबरों के बारे में। जी हाँ, नई दिल्ली में बड़ी ताज़ा खबरें हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच एक इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने जूता फेंका। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता जीवीएल नरसिंह राव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान जूता फेंका गया जो उनके चेहरे को छूते हुए निकल गया। घटना के तुरंत बाद जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। मामले में और छानबीन जारी है, लेकिन घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आईपी स्टेट थाने की पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया और थाने ले गई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही बारगढ़ जिले में एक चुनावी बैठक जो संबोधित कर रहे थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्हें भी एक व्यक्ति ने जूते उछाले थे। लेकिन पुलिस बता रही है कि मुख्यमंत्री को चोट नहीं आई, लेकिन यह जूता उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को जाकर लगा। सुरक्षा बल जवानों ने हमलावर को तुरंत हिरासत में लिया, जबकि मुख्यमंत्री वहां से सुरक्षित निकलकर गए। यह घटना विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के घुबरी गांव में उस समय हुई जब पटना नायक बाबरीपल में एक रोड शो के बैठक को संबोधित कर रहे थे। कौन है जूता फेंकने वाला शख्स? जी हाँ, वाकई में कौन है जूता फेंकने वाला शख्स? जानकारी के मुताबिक जूता मारने वाला शख्स खुद का नाम शक्ति बारगो बता रहा है और वह कानपुर का रहने वाला है। तो के परिवार का भार्गव हॉस्पिटल नाम से अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि ये परिवार में कुछ सालों से झगड़े चल रहे हैं और वह 2 साल से माँ से अलग रह रहा है। परिवार ने इस बेदखल कर दिया है, यानी कि भार्गव को बेदखल कर दिया है। बताया जा रहा है कि किसी फ्लैट में मामले में लेकर वो परेशान चल रहा है। मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं है। पहले भी नेताओं ने फेंके जूते, लेकिन किसी नेता को जूता फेंकने वाला कोई ऐसा शख्स मिला नहीं। ये मामला कुछ अजीब ही है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके